Hello and welcome back. In this video, we're going to learn about a filter, a kernel. It is the first step in a CNN. CNN में convolutional neural network में first step है filter as or a kernel. Filter क्या होता है और उसका काम क्या है? Why it is 3x3? Why it is not 2x2 or any other number like 4x4, 6x6? ये क्यों नहीं होता है? Then pooling is one of the a layer in a CNN. तो वो क्या होता है? But not in this video. We'll going to learn only specifically filter or kernel क्या होता है? What is kernel? तो filter is nothing but कभी-कभी ऐसा पूछा जाता है कि what is filter or what is kernel? Some people use as a kernel or some people use as a filter. तो इसका काम क्या होता है? The main reason of using the filter is extracting the important feature or extracting the important information from that image. समझे आप कि वो जो image है, like एक कुत्ते का image दिया है, एक dog का image दिया है, तो आपको उसमें से क्या-क्या निकाल के देना चाहिए? Like उसकी eyes क्या है, उसका nose कैसे होना चाहिए, उसके कान कैसे होने चाहिए, उसके pair कैसे होते हैं, तो उसके edges जो important feature है, उस image में से वो निकाल के देता है, हर एक image में से. And this is how you find out कि वो image में क्या-क्या important है. Now we'll move forward and we'll check कि एक ये जो image है, it is a 1D image, a 5x5 matrix है. एक image दिया गया है, उसका size है 5x5. And we have the filter here. It is a 3x3 a filter of a 3x3 matrix we can say, but it is 3x3. Okay, and अभी इस पे से हमें एक convolutional layer, इसी part को हम convolutional layer बोलते हैं. तो ये convolutional मतलब क्या है? इसमें कुछ mathematical operation होते हैं, और ये mathematical operation क्या होते हैं, क्या नहीं, ये अभी हम देखेंगे. So we have this is 3x. अब आप बोलोगे ये matrix की में 1 1 1 0 0, -1 -1 -1, ये इसी format में आता है या अलग अलग format में? Actually जो फिल्टर के साइज होते हैं या फिल्टर के नॉट अ साइज, फिल्टर में जो होता है, लाइक उसमें फिल्टर का टाइप होता है टाइप, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, और इसकी और इसके वेरिएशन अलग-अलग होते हैं. जब फॉरवर्ड मैट्रिक्स होता है, जब स्टार्टिंग में मैट्रिक्स लगाया जाता है, तो वहां पे लेफ्ट हो सकता है, बट जब एक कन्वोल्यूशनल पूरा नेटवर्क तैयार हो जाता है, उसके बाद एक बैक प्रोपेगेशन होता है. बैक प्रोपेगेशन और फॉरवर्ड प्रोपेगेशन क्या होता है, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियोस में सीखेंगे. बट जब उसको पता चलता है कि अब किसी भी चीज को यहां पे मैंने लगा दिया, एक अननोन फिल्टर लगा दिया, लाइक वी हैव दिस टाइप ऑफ फिल्टर, यू कैन सी. जब आइडेंटिफाई करना है कि इमेज क्या है, तो ये फिल्टर लगाया जाता है. बट इट डिपेंड ऑन सिचुएशन, और डिपेंड मे भी ये लगाया जा सकता है, बट जब बैक प्रोपगेशन होता है, तो उसमें समझ आता है कि यहाँ पे कौन सा फिल्टर अच्छी तरह से फिट कर सकता है. तो जब कन्वोल्यूशनल में बैक CNN में जब बैक प्रोपगेशन होता है, तो उस समय वो रिप्लेस हो जाता है, और ये इसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है. राइट नाउ यहाँ पे कुछ वैल्यू एज डिटेक्शन के लिए, जैसे कि एज है इसमें, ये जो उंट दिया है, कैमल दिया है, तो इसके एजेस क्या है, ये जो एज है, ये निकालने के लिए हम ये विच वन इज फिटिंग ओवर हियर, लाइक यू कैन सी ये वाला जो फिल्टर है बहुत ज़्यादा फिट हो रहा है, जो कि हमें एजेस निकाल के दे रहा है. देन हमें वी नीड अ शार्पन एजेस फ्रॉम दिस इमेज, तो ये कन्वोल्यूशनल ब्लर चाहिए, तो ये करना है. तो ये डिफरेंट टाइप के फिल्टर यूज किया जाता है. राइट नाउ दिस इज द एग्जाम्पल, और हमें ये मैट्रिक्स कैसे मिलता है, या ये जो है, हमें ये मैट्रिक्स कैसे मिलता है, ये जो 3x3 मैट्रिक्स मिला है, लाइक यू कैन सी हियर, दिस इज आई नीड टू क्लिक ऑन पेन, या जस्ट गिव मी सेकंड, या दिस इज द 3x3 मैट्रिक्स. ये मुझे कैसे मिला है, हाउ वी गेट इट? ये क्या करता है, इट यूज दिस फर्स्ट 3x3, और ये हर एक चीज को मल्टीप्लाई होगा. राइट नाउ अभी हमें इसका, अभी ये -4 कैसे निकाला है, तो ये देखते हैं. 4 × 1, जो कि ये फर्स्ट वाला है, उससे ये फर्स्ट वाले को, देन दिस इज सेकेंड टू सेकेंड, दिस इज थर्ड टू थर्ड,
तो ये ऐसा होगा और ये प्लस होते जाएगा. नाउ वी विल डू द तो 2 into 1 प्लस 0 into 1, तो 0 into 1 तो वो आपको पता है क्या होगा. देन व्हाट वी हैव व्हेन वी हैव दो जीरो वाला जो लेयर है, जीरो को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आने वाला है. तो वी विल जस्ट राइट इट 0 एंड प्लस. आफ्टर दैट वी हैव अ माइनस, सो वी हैव 8 ओवर हियर, -8. देन वी हैव अगेन -8. देन अगेन वी हैव -2. एंड इफ वी इसको हम प्लस कर लेंगे तो 4 + 2 + 0, देन वी हैव 0 प्लस. ये जो है इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आने वाला है, 16 + 18. तो ये हमें यहाँ पे -18 आने वाला है. एंड इफ आई प्लस दिस वन, जस्ट गिव मी सेकेंड, कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पे आई थिंक सो, नहीं तो ये मैंने गलत किया है. ओके लेट्स सी, यहाँ पे मुझे 6 मिला, यू कैन सी हियर 6, एंड -18 करूँगा तो आई गेट अ -12. एक्चुअली यहाँ पे -12 आना चाहिए था. इफ आई जस्ट चेक, यस इट इज -12. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें -12 मिल रहा है. नाउ विल अब ये सेकेंड वाला, आप इसको यहाँ पे -12 आने के बाद यहाँ पे -6 कैसे आया, तो आपको क्या करना है, यही जो फिल्टर है इस चीज़ पे लगाना है, मतलब एक से मूव करना है एंड यू नीड टू अप्लाई ओवर देयर, तो आपको ये -6 मिलेगा. तो -6 कैसे आता है वो देखेंगे हम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा. आफ्टर दैट वी हैव देन 3 वी हैव, तो 3 प्लस करेंगे. देन वी हैव 1 ओवर हियर, राइट 1 ही है ना, हाँ 1 ओवर हियर, तो वी हैव 1. देन वी हैव ये 0, पूरा 0 हो जाएगा. देन ये माइनस वाला सेक्शन में क्या क्या आएगा, -9, देन -1 एंड -5. सो व्हाट वी हैव ओवर देयर, लाइक 8 + 9 वी हैव अ 9 माइनस. तो यहाँ पे यू कैन सी व्हाट वी हैव, -10 प्लस -5 माइनस -15. इफ आई डू दैट आई गेट -6. सो दिस इज हाउ वी गेट द -6. अभी ये सबको आप अप्लाई करोगे तो यू विल गेट दिस मैट दिस 3 by 3. ओके तो अभी ये 3 by 3 कैसे हुआ, इसका कैलकुलेशन करना है. तो वी हैव वन फॉर्मूला, m - n + 1. सो माई m इज 5, माई n इज 3 एंड प्लस 1, सो वी विल गेट 3. सो दिस इज 3 by 3 मैट्रिक्स. ओके तो ऐसे फिल्टर को अप्लाई किया जाता है. ये बस एक एग्जाम्पल था कि कैसे अप्लाई करना है. नाउ विल मूव कि ये फिल्टर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आपको वीडियो जब देखोगे तो आपको पता चल जाएगा. बट आपको मैंने वैसे बोला कि जो फिल्टर है वो इट इज डिपेंड कि कैसे इमेज है उस पर अप्लाई हुआ जाता है. नाउ व्हाई डू वी हैव व्हाई डू वी यूज 3 by 3 कर्नल ओनली, 3 by 3 का ही कर्नल क्यों यूज किया जाता है. इफ वी हैव 2 by 2 कर्नल और 2 by 2 फिल्टर, तो क्या हो जाएगा, कन्वोल्यूशनल टाइम, जैसे कि 3 by 3 को जितना टाइम लगता है तो उस पर 2 by 2 को कन्वोल्यूशनल टाइम कम लगेगा, राइट. बट जो इंफॉर्मेशन है, जो इमेज में इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन 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 में ड्रॉप, इंफॉर्मेशन ड्रॉप हो सकती है. ओके एंड इफ वी हैव 4 by 4 मैट्रिक्स, तो उसमें क्या हो सकता है कि जो कन्वोल्यूशनल कन्वोल्यूशन टाइम है में इंक्रीज, तो उससे इंक्रीज हो जाएगा कन्वोल्यूशनल टाइम. सो हम जब एक पूरा CNN बनाने थे तो उसमें एक ही फिल्टर नहीं यूज करते, देर में भी 32 फिल्टर फॉर वन स्पेसिफिक लेयर. ओके तो अब मैं पहले इस पे जाता हूँ. एंड इफ यू सी हियर,
तो हमें यहाँ पे 16 फिल्टर यूज किए फॉर ओनली फर्स्ट, एक ही लेयर में हमने 16 फिल्टर यूज किए 3x3 मैट्रिक्स के। तो इफ वी यूज द 4x4 तो उससे कन्वोल्यूशनल जो है जो फिल्टर है और वो कन्वोल्यूशनल का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगा, उसके वजह से टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। दैट्स व्हाई वी यूज 3 इज द आइडियल साइज फॉर टू यूज दैट ओवर देयर। ओके, सो दिस इज व्हाई वी यूज अ 3x3 मैट्रिक्स। हमने कैलकुलेशन कैसे किया यू कैन सी देयर। देन वी व्हाई डू वी व्हाई द इमेज साइज शुड बी इक्वल टू द कर्नल, व्हाई Why the image size should not be equal to kernel? ये हमारा क्वेश्चन है। You can see here, this is also a question. Okay, ये kernel size और if we have a 3x3 image, okay, 3x3 image, and if we have a kernel size also 3x3, okay, तो क्या हो जाएगा? इसके वजह से क्या हो जाएगा? ये हर एक चीज को मल्टीप्लाई करेगा एंड ऑल्सो वी गेट वॉट वी गेट m प्लस एम माइनस, यहाँ पे सॉरी दिस इज रॉन्ग, एम माइनस एन प्लस वन। तो हमें क्या मिलेगा? 3 माइनस 3 प्लस 1, सो विल गेट 1 ओनली। तो एक ही हमें बॉक्स मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगी। उसके वजह से क्या हो जाएगा? जो इंफॉर्मेशन है वो ओवरफिट हो जाएगी। एक्चुअली ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यूज ही नहीं कर सकते, और यूज भी कर लिया तो हमें ओनली गेट विल गेट 1 ओनली, एक ही बॉक्स मिलेगा, और वो जो भी इंफॉर्मेशन है वो ओवर फिट हो जाएगा। जो भी हमें मिल रहा है वो ओवर फिट हो जाएगा, ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है वहाँ पे, राइट? ओवर फिटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। एंड ऑल्सो ये हम लगा रहे तो इस पे जो कन्वोल्यूशनल टाइम है वो भी इंक्रीज हो रहा है, राइट? बिकॉज वो इतना मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, 3x इतने साइज के इमेज के लिए वो इतना बड़ा यूज कर रहा है। इट इज राइट नाउ इट इज आइडियल साइज, 3x3 इज आइडियल साइज। इफ वॉट वी हैव द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इमेज इज 256x256, ओके 256, और उसमें हम 256x256 का कर्नल यूज कर रहे हैं, तो वो कॉम्प्लेक्सिटी कम, कन्वोल्यूशनल मैट्रिक्स कितना बड़ा हो जाएगा? और वहाँ पे ओवर फिटिंग तो होगी होगी, बट जो कॉम्प्लेक्सिटी है कन्वोल्यूशनल मैट्रिक्स की वो कितनी बड़ी हो जाएगी? दैट्स वाई वी डोंट यूज साइज ऑफ अ इमेज एंड द कर्नल नॉट बी शुड नॉट बी इक्वल। एंड लास्ट टाइम मैंने जो एग्जाम्पल देखा है, इफ यू हैव नॉट सीन द एग्जाम्पल, जो प्रोजेक्ट हमने अभी किया है, इफ यू हैव नॉट सीन तो जाके वो एग्जाम्पल देखो, वो प्रोजेक्ट देखो, उसमें आपको बहुत सारे आइडिया मिलेंगी। पुलिंग लेयर क्या होता है, कर्नल क्या होता है, उसमें नहीं समझाया गया है, बट वो जो साचा है एक प्रोजेक्ट सॉल्व करने का, उसमें आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो उसमें मैंने एक्चुअली मैं बताना भूल गया था, पिक्सल की जो साइज होती है, जो हमें एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज मिलती है, तो उसमें 1 इज डिनोटेड फॉर ब्लैक, जो ब्लैक के लिए डिनोट होता है 1, एंड फॉर अ व्हाइट वी हैव डिनोटेड विथ 0। तो ये हमें पता होना चाहिए। एंड दिस इज फॉर ब्लैक एंड व्हाइट इमेज, तो ब्लैक इज फॉर 1। इफ वी हैव लाइक लेट मी शो यू, ओके एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज निकालते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, ओके ये जो इमेज है, इफ यू सी दिस इमेज, ये इमेज में जो ब्लैक है इट डिनोट द 1, एंड जो व्हाइट है इसके बैकग्राउंड में उसको 0 से डिनोट किया जाएगा, जब हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, क्योंकि हम डायरेक्टली एक इमेज पे प्रोसेस कैसे करते हैं, एक मशीन को इमेज पर प्रोसेस करने के लिए उसको 1 या 0 चाहिए, या कुछ नंबर चाहिए, मैट्रिक्स चाहिए, तब जाके उस पर प्रोसेस करता है। तो जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है उसमें से ब्लैक इज डिनोटेड विथ 1 एंड व्हाइट इज डिनोटेड विथ 0, ओके एंड दैट्स इट। अभी इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताना चाहूंगा। और ब्लैक एंड व्हाइट इमेज इज 1D इमेज, और जब कलर इमेज आता है तो वो 2D इमेज होता है, जिसमें कि यू कैन सी RGB होता है, कलर इमेज इज RGB, उसमें ऐसे ऐसे होता है। एंड इफ इट इज 256x256 इंटू 3, 3 इज नथिंग बट नंबर ऑफ चैनल, तो ये होता है कलर इमेज का। और जब 1 आता है, इफ इट इज मल्टीप्लाई 1 विथ 1, मीन्स ये 1D इमेज है, और 1D इमेज है, और ये 2D इमेज है, और इसके नंबर ऑफ चैनल 1 है, इसके नंबर ऑफ चैनल 3 है, ओके ये आपको ध्यान में रखना है। देन एक CNN आर्किटेक्चर कंसिस्ट कैसे होता है, एक कन्वोल्यूशनल लेयर होता है सबसे पहले, जो कि हमने देखा,
उसको ही हम एक कर्नल और फिल्टर बोलते हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है. पूलिंग ये क्या करता है, डाउन सैम्पलिंग करता है. जो हमारी इमेज आई है, इमेज इफ अवर इमेज कम विथ 256 बाय 256, तो फिल्टर लगाने के बाद हमने 3 बाय 3 फिल्टर लगा दिया, तो इसका एक हमें क्या मिलेगा, तो विल गेट -3 256 253 प्लस, हाँ 254 बाय 254 की इमेज वापस हमें मिलेगी, वो भी इफ इट इज अ कलर इमेज, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज इट इज कलर इमेज. एंड देन वी हैव अ मैक्स पुलिंग ऑफ 2. पुलिंग क्या होता है ये नेक्स्ट इसमें सीखेंगे, और उसका क्या फायदा होता है. वो क्या करता है, डाउन सैम्पलिंग करने का काम करता है, ये इमेज को और ज्यादा एक्सट्रैक्ट करने का काम करता है. देन वी हैव एक्टिवेशन फंक्शन. तो हमने लास्ट टाइम रेलू देखा था, तो फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि हमें यहाँ पे, यू कैन सी हियर, दिस इज अवर मैट्रिक्स. तो ये हमें एक मैट्रिक्स मिला था, लाइक इफ आई ट्राई, इसको कॉपी कैसे करते हैं मुझे यहाँ पे पता नहीं है, बट व्हाट वी हैव -12, लेट्स ट्राई दिस. ये हमें -12 मिला है, देन -6, देन वी हैव अ 12, -5. ये आप एक बार कैलकुलेशन कर देना, कभी कभी गलत हो सकता है, बट यू नीड टू कैलकुलेट, करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा. मैंने कैलकुलेट किया था बट स्टिल. तो ये हमने किया, देन हम मैक्स पुलिंग करेंगे. तो मैक्स पुलिंग में क्या होता है, 2 बाय 2 का मैक्स पुलिंग करेंगे. तो ये इस पे जैसे हमने वहाँ पे किया था वैसे ही मैक्स पुलिंग होगा, और 2 बाय 2 में कन्वर्ट करेगा. तो इसमें से सबसे मैक्सिमम नंबर क्या है, ये माइनस छोड़ देगा और मैक्सिमम नंबर लेगा, तो 0 विल गेट. इस पे हम लगाएंगे तो विल गेट 12, इस पे हम लगाएंगे तो विल गेट अगेन 2, इस पे हम लगाएंगे तो विल गेट 4. तो ये मैक्स पुलिंग, मैक्स पुलिंग क्या करता है कि इसमें 2 बाय 2 मैक्स पुलिंग करने के बाद हमें इसमें से जो बड़ा नंबर है, मतलब जो मैक्सिमम नंबर है, वो निकाल के देगा. नाउ वी हैव दिस नंबर मैक्स पुलिंग करने के बाद. तो ये मैक्स पुलिंग का काम होता है. तो इट में भी टू बाई टू मैक्स पुलिंग ज़्यादा यूज़ किया जाता है, उसमें मैक्स पुलिंग होता है, एवरेज पुलिंग होता है, तो ग्लोबल पुलिंग होता है. तो ये पुलिंग का टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द फिल्टर सेक्शन वेरी वेल. और आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया तो जस्ट कमेंट डाउन बिलो, आई मेक श्योर कि मैं आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड करूंगा और हम सॉल्व करेंगे जो भी प्रॉब्लम है. आई नो मेरी हैंड राइटिंग अभी भी गुड अच्छी नहीं है, बट आई ट्राई कि मैं एक अच्छी हैंड राइटिंग सीख पाऊंगा जल्दी में इस पैड पे, जो राइटिंग पैड मैंने लिया है. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून. अगले वीडियो में हम पुलिंग वाला सेशन देखेंगे, स्ट्राइडर है हमें वो देखना है, बहुत कुछ चीज़ें सीखनी है हमें टू कंप्लीट अवर सीजन सेक्शन. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. इसमें से आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो प्लीज सब्सक्राइब करना चाहिए चैनल को. ओके.